म्यूचुअल फंड और ब्रोकर नहीं कर सकेंगे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल। ब्रोकरों और म्यूचुअल फंडों को विज्ञापन और मार्केटिंग अभियानों में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के इस्तेमाल पर सेबी रोक लगाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि महामारी में इक्विटी बाजारों में खुदरा निवेशकों में उछाल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सलाह देने वालों की बाढ़ आ गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को डर है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स निवेशकों को गुमराह कर सकते हैं। सेबी ब्रोकरों, पंजीकृत ट्रेडरों और म्यूचुअल फंड हाउसों से उन इन्फ्लुएंसर्स के साथ जुड़ने से मना करने की योजना बना रहा है जो गुमराह करने वाली सलाह देते हैं और निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। सेबी इस नियम को लागू करने से पहले उद्योग की सलाह लेगा, उसके बाद ये परिभाषित होगा कि कौन सी सलाह भ्रामक है। इसके बाद इस नियम के उल्लंघन पर जुर्माना और बाजार में कारोबार पर प्रतिबंध जैसे दंड लगाए जाएंगे। सेबी के दायरे से बाहर है इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करना। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करना सेबी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हालांकि पंजीकृत बाजार बिचौलियों के जरिए विज्ञापन, इवेंट्स और अन्य के साथ इन्फ्लुएंसर्स को जुड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। म्यूचुअल फंड और ब्रोकरों को ऐसे सलाहकारों से दूर रहने की सलाह दी जा सकती है। मीशो ने 251 कर्मियों को नौकरी से निकाला। लागत कम करने की योजना के तहत ई कॉमर्स कंपनी मीशो ने 251 कर्मचारियों को निकाल दिया है। यह कुल कर्मचारी का करीब 15% हिस्सा है। कंपनी के CEO विदित अत्रे ने इस संबंध में कर्मचारियों को एक ईमेल भेजकर जानकारी दी।